A very good morning class. How are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first. Palash. So take out your book. Palash. And today I will teach you chapter 26 गुब्बारे वाला और चाचा नेहरू. बच्चों हमने इसमें आपको क्या बताया था? हमने आपको इसमें इसकी आधी कहानी जो सत्य कथा पर आधारित है यहाँ तक हमने आपको बताया था और इसकी आगे की कहानी आज हम आपको बताएंगे. तो पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि इलाहाबाद की सड़क पर जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो एक बूढ़ा आदमी क्या बेच रहा था? गुब्बारे बेच रहा था. वह आवाज़ें लगा रहा था, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो. और दिन के कितने बज चुके थे? 2 बज चुके थे और गुब्बारे वाले का एक भी गुब्बारा नहीं बिका था. तो तभी सामने से आती हुई क्या दिखाई दी? एक कार दिखाई दी. गुब्बारे वाला ज़ोर से चिल्लाया, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, लेकिन कोई उसके गुब्बारे ले नहीं रहा था. लेकिन जब कार रुकी तो कार में से एक आदमी पास आया उसके पास, गुब्बारे वाले के पास, और बोला, आज आपके बाबा कितने गुब्बारे बिके हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे आज एक भी गुब्बारे नहीं बिके हैं. तो कार वाले बाबूजी को हैरानी हुई. एक क्षण रुककर उन्होंने पूछा, बाबा सारे गुब्बारे कितने में दोगे? क्या कहा? सारे गुब्बारे कितने में दोगे? तो उसने कहा 5 रुपये में. किसने कहा? गुब्बारे वाले ने कहा 5 रुपये में. गुब्बारे वाले ने कहा, उसकी आंखों में चमक लौट आई, यानी कि उसकी आंखों में खुशी लौट आई, खुश हो गया वो. फिर बाबूजी ने, जो कार वाले बाबूजी थे, उन्होंने 5 का नोट थमाते मतलब देते हुए, थमाते मतलब क्या होता है, देते हुए कहा, बाबा ये लो 5 रुपये, अब ये गुब्बारे उन बच्चों में बाँटो, कहाँ पर? जो कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे. उनकी ओर इशारा करते हुए ही बाबूजी ने कहा था, यानी कि उन्होंने गुब्बारा खरीदा, सारे गुब्बारे खरीद लिए गुब्बारे कार वाले बाबूजी ने गुब्बारे वाले से, और कहा कि जो कुछ बच्चे मैदान, इशारा करते हुए कहा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये सारे गुब्बारे उनके में बांटो. तो फिर क्या हुआ, बच्चे जब गुब्बारे पाए तो बच्चे गुब्बारे पाकर बहुत खुश हो गए. तो बच्चों पता है जिन्होंने बच्चों को गुब्बारे दिया था वो कौन थे? यानी कार वाले बाबूजी कौन थे आपको पता है? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. और बच्चे उन्हें क्या कहते थे? बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे. यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे. तो बच्चों आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को. इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि महान व्यक्तियों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए. कौन से व्यक्ति के बताए मार्ग पर? महान जो व्यक्ति होते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर सदैव चलना चाहिए. ठीक है, तो आज आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया और ये आपका लास्ट चैप्टर था आपके सिलेबस का, था सेमेस्टर की. ठीक है, अब आप शब्दार्थ जानेंगे. शब्दार्थ क्या है? रंग बिरंगे मतलब कई रंगों के. निराश मीन्स हताश या ना उम्मीद. समीप मतलब होता है नज़दीक या पास. मन बुझे मन से मतलब उदास होकर. हैरानी मीन्स आश्चर्य या अचंभा. एक क्षण मीन्स पल भर. आँखों में चमक मीन्स क्या होता है? प्रसन्न होना. थमाना मीन्स पकड़ाना या देना. ठीक, समझ में आ गया बच्चों? ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और चाचा वाले गुब्बारे जो है, गुब्बारे वाला और चाचा नेहरू, ये आप स्टोरी बार बार उसको पढ़िएगा जिससे आपका पढ़ने का अभ्यास अच्छे से हो जाए. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही. अब आप नोट करिए आज का होमवर्क. आज आपका होमवर्क क्या है?
आज आपका होमवर्क है बच्चों, 5/26 से जो शब्द अर्थ दिया है इसको आप लोग लर्न करिएगा और SW कॉपी में राइट करिएगा। जब आपको SW कॉपी में राइट करके देंगे तब आप जब PDF सेंड करेंगे तब आप SW कॉपी में इसको राइट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।